नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आगामी दीपावली को लेकर वातावरण की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए गाय के गोबर से बने दीपक वितरित किए जाने के लिए तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा इस साल पूरे देश में 11 करोड़ परिवारों को गोबर से बने दिए के अभियान से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर जैसलमेर में भी लोगों ने तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि जैसलमेर हर त्यौहार पर गोबरों से उत्पादकों का उपयोग कर वातावरण शुद्ध के लिए प्रयास करता जा रहा है। इस बार भी दीपावली पर गोबर से बने दिए जलाए जाएंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा गोबर से बने दीपकों के विक्रय के लिए जैसलमेर में विभिन्न जगहों पर काउंटर लगाए जाएंगे, जिसमें लागत मूल्य पर दीपक विक्रय किए जाएंगे। इससे पहले जैसलमेर में होली में गोबर से बने कंडों का उपयोग किया जा रहा था। इसके साथ ही विभिन्न समाजों ने भी पहल करते हुए गोबरों के कंडों का उपयोग देह संस्कार में शुरू किया है, जो आज भी जारी है। इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा। शहर में अधिक से अधिक घरों में इन दीयों की रोशनी होगी। वहीं दूसरी तरफ गोबर से बने दीपकों में घी मिलने से इनसे निकलने वाले धुएं में वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और ये बेहद फायदेमंद रहेगा। गोबर से बने दीपकों से वातावरण में शुद्धता रहेगी। इस अभियान के तहत विभिन्न गौशालाओं में यह दीपक तैयार करवाए जा रहे हैं। इन 11 दीपकों की कीमत ₹25 तय की गई है। 11 दीपक का पूरा सेट ही मिलेगा। इसके साथ रुई से बनी फूल बत्ती भी साथ में दी जाएगी। इन गोबरों से बने दीपकों से होने वाली आय को गौशाला में ही दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इस बार दीपावली पर्व के अवसर गोबर से बने दीपक जलाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग ये दिए उपलब्ध हों, इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। डीपीके न्यूज के लिए जैसलमेर से तन्मय बिस्सा की स्पेशल रिपोर्ट। ये इस बार का लक्ष्य करीबन 5,500 से 6,000 दिए बनाने का है और इससे कम से कम हम 500 से 700 परिवार तक पहुंचेंगे। हम जो पैकिंग बना रहे हैं वो 11 दियों की पैकिंग बना रहे हैं, जिसका मूल्य हमने ₹25 रखा है, जिसमें हम फूल बत्ती साथ में दे रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग भावनात्मक रूप से गाय से जुड़े हैं, क्योंकि गाय के बिना जीवन संभव ही नहीं है। अगर हम भारत की कल्पना करते हैं गाय के बिना, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। बिल्कुल, आप देखिए कि ये तो शुरुआत है, अभी एक मशीन से हम काम कर रहे हैं, तो एक मशीन पर एक व्यक्ति काम करेगा।